अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, खबर है जहां गाजियाबाद में आग का तांडव देखने को मिला। सिलेंडर में धमाके के बाद झुग्गियों में आग लग गई, एक के बाद एक कई धमाके हुए जिससे पूरा इलाका दहल उठा। अग्निकांड में 25 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। ये गाजियाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की स्क्रीन पर। यहां पर आप देखें सिलेंडर ब्लास्ट से आग भड़की और उसके बाद कैसे विकराल होती चली गई। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 25 झुग्गी जलकर खाक हो चुके हैं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये आग पर काबू पाने के लिए कैसे दमकल की टीम जुटी हुई आप देख सकते हैं। हालांकि जब तक इस पर काबू पाया जा सकता तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका है। सिलेंडर ब्लास्ट और उसके बाद कितनी भयानक आग थी। ये तस्वीर एक और आप देखिए, ये थोड़ी दूर से ली गई तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे काले धुएं का गुबार उठ रहा है और इसके चलते दूर दूर तक लोगों ने इस आग को देखा, लोग सहम उठे। कई बार देखने को मिलता है कि सिलेंडर में छोटी मोटी चूक रह जाती है और उसके चलते इस तरह के हादसे का सबब वो बनती है। और यहां पर आप देखिए कि सिलेंडर ब्लास्ट जब हुआ तो कैसे पूरा इलाका जो था वो काले राख के ढेर पर नजर आया। ये तस्वीर इस वक्त की स्क्रीन पर आपके सामने, सिलेंडर फटने के बाद झुग्गियों में आग लग गई, 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। ये देखिए जिस वक्त धमाके हो रहे थे उस वक्त की तस्वीर, कैसे अफरा तफरी मची हुई है, कैसे वहां पर लोग कुछ समझ पाते तब तक धमाके होते रहे। ये जरा एम्बियंस के साथ इन तस्वीरों को ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एम्बियंस के साथ हमने आपको दिखाया कैसे अफरा तफरी मची हुई है। वहां पर वो शख्स कह रहा है कि आग लग चुकी है, सब नीचे बैठ जाइए, और फिर अचानक से धमाका हो जाता है। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये आग बहुत तेजी से फैलती चली गई झुग्गियों में, क्योंकि तिरपाल पर ये झुग्गियां बनाई गई थी, इसमें आग जब लगी तो उसके बाद ये तेजी से फैलती चली गई। इसमें कई ऐसे सामान थे जिससे आग भड़कती चली गई और 25 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी है। अभी वहां पर सिर्फ राख के ढेर नजर आ रहे हैं।